आखिरकार इस आईपीएल में हमें एक ऐसा मुकाबला भी देखने को मिला जो कि काफी हद तक वन साइडेड था, और जब ऐसे मैचेस होते रहेंगे तो वो जो क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं उनके और ज्यादा मजे उठा पाएंगे आप। तो अब वक्त हो चला है मैच नंबर 9 का, मुंबई बनाम हैदराबाद। ये मैच एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होने जा रहा है, और इस मैच में कौन है वो 3 खिलाड़ी जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक फैंटेसी 11 भी बताएंगे जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं ब्लिट्ज पूल्स प्रेजेंट्स क्रिकेट न्यूज फैंटेसी स्काउट के इस एपिसोड की। हैदराबाद अब तक अपने दोनों मैच हारी है इस आईपीएल में, दोनों मैच चेन्नई में हुए हैं, लेकिन दोनों मैचों में एक खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो कि बेहद कंसिस्टेंट रहे हैं गेंद के साथ, और काफी पॉइंट्स दिए हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने उन्हें चुना है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के स्पिन मैजिशियन राशिद खान की। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई अब तक, रनों पर तो अंकुश लगाया ही है, विकेट्स भी लाके दिए हैं, और देखिए वो हिटिंग भी कर सकते हैं। पिछले मैच में हल्का फुल्का उन्होंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि यार अंत में अगर बात आ जाती है तो राशिद खान जब तक पिच पर है तब तक मैच फिनिश किया जा सकता है। तो एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं आपके वाइस कैप्टन के लिए भी, तो इसलिए उन्हें तो इस मैच में रखें क्योंकि जो लय बरकरार है उनकी पिछली दोनों मैचेस से, गेंद के साथ तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मुंबई का जो टॉप ऑर्डर है उसे ध्वस्त करने की पूरी क्षमता है इनमें, तो इन्हें अपनी टीम में इस मैच के लिए जरूर रखें। बात अगर मुंबई की जाए तो उनकी तरफ से अब तक जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं बल्ले के साथ वो है सूर्य कुमार यादव। पहले मैच में भी बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की जितने भी समय पिच पर थे, और दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ा, और इसीलिए इस मैच के लिए भी वो बहुत उम्दा चॉइस है आपके कैप्टन रोल के लिए, क्योंकि देखिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि काफी समय से बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इतने जबरदस्त फॉर्म में पिछले आईपीएल से नजर आए हैं, वो जो भारत इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उससे उन्हें बढ़िया बूस्ट मिला है, अच्छी स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, तो उन्हें अपनी टीम में जरूर रखें। देखिए मजाक नहीं करूंगा, ये जो तीसरी चॉइस है इसे फाइनलाइज करने में काफी समय लगा हमें, लेकिन अंत में हमने ये सोचा कि यार एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अभी तक आईपीएल 2021 में आए हुए नहीं है, अभी तक अपनी लय में तो आए नहीं है, और वो आते हैं इस टूर्नामेंट में, और जब भी वो रन बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इनसे बेहतर कौन है बल्लेबाज। हम बात कर रहे हैं मुंबई के हार्दिक पांड्या की, और पहले दो मैचों में कुछ अपना जलवा दिखा नहीं पाए हैं। चेन्नई में थोड़ा मुश्किल भी हुई है ज़्यादातर बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स लगाने में और गेंदबाजों को डोमिनेट करने में, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मैच में बढ़िया लय में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछला मैच मुंबई जीती है, सभी खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होगा, और हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक बार बस उन्हें वो कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाए उसके बाद मुंबई की इनिंग्स बढ़िया फिनिश कर सकते हैं, और चूंकि हैदराबाद की गेंदबाजी थोड़ी बढ़िया रही है अब तक, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा गेंदें भी मिल सकती हैं इस मैच में। तो ये थे हमारे 3 पिक्स, ये रही हमारी फैंटेसी 11। खास बातें, किन खास बातों पर ध्यान रखा जाए टीम चुनते वक्त, जो बढ़िया गेंदबाज हैं दोनों ही टीमों में, हमने 4 बढ़िया गेंदबाज चुने हैं। राशिद खान के बारे में हमने आपको बताई दिया था, उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में जरूर रखें, तीनों ही बढ़िया लय में नजर आए पिछले मैच में। इनके अलावा बात करें तो कुछ बिग हिटर्स को अपनी टीम में जरूर रखें, जॉनी बेस्टो, कायरन पोलार्ड, क्विंटन डिकॉक भी अपने पिछले मैच में जो कि उनका पहला मैच था इस आईपीएल में उसमें नहीं चल पाए थे, ईशान किशन, ये सभी बेहतरीन चॉइसेस हो सकते हैं आपके लिए आज के मैच के लिए, तो इन सभी को अपने जहन में रखें। मैं तो कह रहा हूँ लॉक कर दीजिए अपनी टीम को और बस लुत्फ उठाएं इस बढ़िया मैच का। मुंबई एक मैच जीत चुकी है 2 में से, हैदराबाद अभी भी एक भी मैच नहीं जीती है, क्या पता आज जीत जाए। तो बस इंतजार करिए और कल हम फिर लौटेंगे। ब्लिट्ज पूल्स प्रेजेंट्स क्रिकेट न्यूज फैंटेसी स्काउट।